शहर की छोटी सी स्टारबक्स में हर रात एक खौफनाक कहानी होती थी स्टारबक्स का आम नौकर जिसे लोग भूत कहते थे हर दफ़ा एक खूबसूरत लड़की को देखता था अयेशा, जो रोज़ स्टारबक्स आती थी वहाँ हर बार कुछ अजीब महसूस करती थी हर दफा जैसे ही वह दुकान में आती एक खौफनाक माहौल उसे घेर लेता था राहत स्टारबक्स का नौकर ने अयशा की हर शिकायत का जवाब दिया लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था आयशा ने अपने दोस्तों को अपनी दास्तान सुनाई लेकिन किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया वह कहती थी हर रात वह मुझे देखता है और मुझे डराता है जैन आयशा का दोस्त ने फैसला किया कि वह एक रात स्टारबक्स में उनके साथ होगा जैसे ही वह पहुंचते हैं वहां कुछ अजीब आवाजें होती हैं जो स्टारबक्स के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं आतिश जो आयशा को भूत की तरह नजर आता है लेकिन इस बार वह नॉर्मल स्टाफ की तरह दिख रहा है एक नॉर्मल ऑर्डर लेता है और मुस्कुराता है सारा कहती है अयेशा तुम फजूल में परेशान हो रही हो यहां तो कुछ भी नहीं है जैसे तुम हमें बता रही हो जैसे ही अयेशा के दोस्त वहां से आगे बढ़ते हैं आतेश नॉर्मल स्टाफ की तरह लगता है लेकिन जब अयेशा फिर से देखने के लिए पीछे मुड़ती है आतिश एक खौफनाक भूत बनकर उसे डराता है आतिश अजीब अंदाज में अयशा को दोबारा डराता है अयशा चीखने लगती है लेकिन जब उसकी दोस्त फिर से मुड़ने लगते हैं वहां कुछ नहीं होता अयेशा और उसके दोस्त सभी बाहर आ गए और अयेशा को समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम महसूस कर रही हो लेकिन अयशा के बार बार कहने पर वह लोग दोबारा से स्टारबक्स जाने का फैसला कर लेते हैं अयशा के दोस्त जो अब तक यकीन नहीं कर पाए थे वह फिर से स्टारबक्स की तरफ गए उनको लगता था कि आयशा की इमेजिनेशन है लेकिन उनको पता नहीं था कि रात को यह दुकान कैसे बदल जाती है जैन आयशा का दोस्त कहने लगा यार आयशा तो सच कह रही थी ये जगह सचमुच अजीब है जब वह फिर से दुकान में दाखिल होते हैं तब वहां नॉर्मल माहौल होता है एक नॉर्मल कॉफी शॉप जहां लोग चैन से बैठकर अपनी कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं सारा बोली ये क्या हो रहा है अयशा तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना अयशा जो पीछे खड़ी थी वह फिर से आतिश की तरफ देखती है जब वह आतिश की तरफ देखती है आतिश नॉर्मल स्टाफ बन चुका होता है और वह आयशा की तरफ देख मुस्कुराता है आतिश मुस्कुराकर कहता है और कहता है आइये मैडम सर यहां बैठे हैं आप लोगों को क्या चाहिए इतने में जैन कहता है आतिश हमने तुम्हें कुछ अजीब सा देखा है आतिश कहता है तुम लोगों ने मुझे देखा कैसे मैं तो सिर्फ यहां काम करता हूं जैन कहता है यह कोई मजाक नहीं हो सकता हमने खुद देखा है आतिश सारा कहती है ये क्या हो रहा है हम पागल तो नहीं हो गए हैं ना सारा आतिश से कहती है आप जा सकते हैं आप हमें तीन कॉफी ला दें उनका ऑर्डर लेकर आतिश चला जाता है लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है आयशा फिर से आतिश की तरफ देखती है और आतिश मुस्कुराता है आयशा के दोस्त उससे कहते हैं देखा कुछ नहीं था तुम फाजुल परेशान हो रही थी आयशा घबराई हुई सी लगती है और अपने दोस्तों से कहती है हम लोगों को आतिश का पीछा करना चाहिए वह लोग आयशा की बात मान लेते हैं और आतिश का पीछा करते हैं जैसे ही वह लोग आतिश के पीछे पीछे जाते हैं आतिश एक एक कमरे की तरफ जाते हुए गायब हो जाता है जैन थोड़ा परेशान कहता है यह आतिश एकदम से कहां चला गया वह तीनों इस राज का पर्दाफाश करने के लिए तैयार होते हैं क्या आतिश सच में एक भूत है या फिर इस स्टारबक्स के पीछे छुपा कोई और राज है रात गुजरती है लेकिन इस मुलाकात का असर उन तीनों के दिल और दिमाग पर शाह जाता है वह तीनों दोस्त अयेशा, जैन और सारा वह उस कमरे की तरफ जाने का फैसला करते हैं जब वह अंदर जाते हैं वहां एक पुराने और डरावने माहौल का सामना होता है किताबें झिलमिले पत्ते और कुछ अजीब सी आवाजें उनको डराने लगी हैं जैन जो थोड़ा डर गया है कहता है ये जगह कुछ अलग है कहीं आतिश यहां तो नहीं जब वह तीनों माजिद अंदर जाते हैं तभी अचानक ट्रैपडोर थोड़ा सा खुल जाता है जैसे कोई चुपके से उनके पीछे है सारा पीछे मुड़ती है लेकिन वहां कुछ नहीं होता वही आतिश एक भूत बनकर पीछे से उनके करीब आता है उसकी आंखें चमक रही हैं और वह डरावना हंस रहा है आतिश मुस्कुराकर कहता है तुम सब यहां क्यों आए हो क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई ऐशा थोड़ा हिम्मत से भरपूर कहती है हम यह जाना चाहते हैं कि तुम यहां क्यों हो आतिश और यह सारा राज क्या है आतिश धीरे से हंसकर कहता है मुझे यह जगह अपना घर लगता है यहां मेरी रूह अटकी हुई है आतिश थोड़ा उदास कहता है यह मेरी जिंदगी की आखिरी दास्तान है मैं एक इंसान था यहां का एक स्टाफ मेंबर एक दिन यहां काफी बड़ा हादसा हुआ जिसमें मैंने अपनी जान खोदी और मेरा दिल यहां अटका रह गया जब आतिश अपनी कहानी बताता है तब वह तीनों समझ जाते हैं कि यह जगह एक पुरानी भूली हुई कहानियों का सिलसिला है आतिश का दिल यहां अटका हुआ है और उसकी रूह इस दुकान के अंदर फिरती है खोजती है अपने गमगीन हकीकतों का पता अयशा जो अब समझ गई है कहती है हम तुम्हारी मदद करेंगे आतिश जिससे तुम्हारी रूह आजाद हो सके सारा जो अब उसके साथ खड़ी है कहती है यह जगह हमारे और आतिश के दरमियान एक राज है और हम इसे हल करेंगे अब वह तीनों मिलकर इस राज को हल करने का फैसला करते हैं आयशा जो अब अपने दोस्तों के साथ मजबूत है कहती है हम सबको मिलकर यह राज हल करना होगा आतिश तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारी मदद करेंगे आतिश जिसका चेहरा अब थोड़ा सा सुकून से भरा हुआ है कहता है शुक्रिया तुम लोगों ने मेरे दिल की बात सुनी लेकिन यह राज खतरे से भरा हुआ है जैन जो अब भी थोड़ा डर गया है लेकिन जज्बात से भरा हुआ है कहता है हम इस राज के पीछे पहुंचना चाहते हैं चाहे जो भी हो वह तीनों अपने तय किए गए रास्ते पर चलते हैं कमरे से कमरे तक राजे हयात का सफर शुरू होता है हर कोना हर किताब हर चीज उनको कुछ ना कुछ नया बता रही है सारा जो अब और भी क्यूरियस है कहती है यह जगह क्यों इतनी अजीब है और यह पुराने सामान यह सब किस लिए रखा गया है जब वह एक कमरे में दाखिल होते हैं उनको एक बड़ी किताब नजर आती है जिसका कवर कुछ अनजाने अल्फाज से भरा हुआ है अयेशा जो हमेशा से राजे हयात के पीछे लगी हुई है कहती है ये किताब शायद सब कुछ बता सके चलो इसे देखते हैं जब वह किताब खोलते हैं तभी कमरा अंदर से हिलने लगता है किताब से कुछ आवाजें आती हैं जैसे कोई पुरानी कहानी कह रहा हो किताब से आवाज आती है मेरी कहानी सुनो मेरे दोस्तों ये जगह एक जमाने से चली आई है जहां रूहों का राज है वह तीनों ध्यान से सुनते हैं जब किताब उनको एक पुरानी दास्तान सुनाती है एक जमाने में जब यह दुकान बना एक बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से कुछ रूह यहां फंस गई थी जंग कहता है यह कहानी तो और भी उलझन भरे राज का पर्दा उठाने वाली लगती है अब वह तीनों मजबूती से कमरों की तरफ बढ़ते हैं उनको हर कोना एक नया राज बताता है किताब से निकलने वाली आवाज के जरिए उनको उस जगह की हक़ीकत का पता चलता है यह जगह एक पोर्टल है जहां जिंदगी और मौत के दरमियान की दुनिया मिलती है आयशा जो अब पूरी तरह से राजे हयात में खोई हुई है कहती है यह जगह दो दुनियों का मिलन है यहां फंस गई रूहों की मदद करके हमें आतिश की रूह को शांति मिलेगी सारा जो अब पूरी तरह से समझ गई है कहती है हमें यह पोर्टल बंद करना होगा ताकि दो दुनियाएं फिर से अलग हो जाएं। वह तीनों मिलकर एक तावीज और कुछ अनजाने मंत्र से पोर्टल को बंद करने का अमल शुरू करते हैं उनकी हिम्मत और साथ में एक दूसरे का साथ उन्हें पोर्टल को बंद करने में मदद करता है जैन जो पहले डर से भरा हुआ था अब कहता ए हमने ये राजे हयात को हल किया आतिश अब तुम भी शांति से जा सकते हो आतिश की रूह जो अब सुकून से भर गई है मुस्कुराता है उसके चेहरे से सारे भयानक रंग गायब हो गए हैं आतिश कहता है शुक्रिया मेरे दोस्तों तुमने मुझे आजादी दिलाई अब मैं सुकून से अपने आखिरी सफर की तरफ रवाना हो सकता हूं आतिश की रूह धीरे धीरे फेड होती है और वह एक नूरानी राह में चला जाता है पोर्टल बंद हो जाता है और स्टारबक्स वापस से एक आम कॉफी शॉप में तब्दील हो जाता है आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी डोंट टू सब्सक्राइब